हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ गर्मा गर्म आलू फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि उपवास में खाए जाते हैं। दोस्तों, ये बनने में बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आधे किलो आलू को उबालकर, छीलकर और काटकर रख लेते हैं। अब गैस के ऊपर एक फ्राई पैन चढ़ा लिया। फ्राई पैन में मैंने देसी घी डाला है 2 चम्मच। अब इसको गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे। जीरे को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर उसे हटाया मत कीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं, अगले टाइम उनको हटा लेते हैं। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल लेती हूँ। काली मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम यहाँ पे हरी मिर्च का भी उपयोग कर सकते थे, मगर दोस्तों मैं व्रत में काली मिर्च ही खाती हूँ। अब हम इसमें सेंधा नमक डाल लेंगे, इसे लाहौरी नमक भी बोलते हैं। यह भी हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल देंगे, जितना हम तेज़ खाना पसंद करें या कम खाना पसंद करें। यह होने के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर लूँगी। अब इन आलूओं को भी बहुत ही हल्के हाथ से मिलाऊँगी, जिससे आलू टूटे ना और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और इसमें देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। दोस्तों, ये मेरे आलू फ्राई बनकर तैयार हो गए हैं स्पेशल व्रत के लिए, और ये व्रत में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनके साथ मैं ठंडी ठंडी दही ऐड करूँगी। दही के साथ इनका टेस्ट डबल हो जाता है। गरम गरम आलू और ठंडी ठंडी दही, ये देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, आप भी खा लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।